हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओट्स केक जो हम एक मॉर्निंग मील की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया पाउडर्ड ओट्स, ड्राइड ग्रेप्स, ड्राइड डेट्स, ऑलमंड्स एंड वॉलनट नॉट फाइनली चॉप्ड। देन मैंने उसके साथ में लिया है थोड़ा सा फ्लैक्स सीड एंड बटर एडिशनली मिल्क। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है हमको, जो मेरा ये ओट का पाउडर है जो मैंने इसको अपने मिक्सर में पीस लिया है, फाइन कर लिया एकदम, उसको ये साथ में मैं मिल्क को ऐड करूँगा। इट्स अ रूम टेम्परेचर मिल्क एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्पून मैं उसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करूँगा। काफ़ी अच्छे से इसको आपको मिक्स कर लेना होता है, आपका पेस्ट आपका स्मूथली ड्रॉप होना चाहिए। एडिशनली इसके अंदर मैं 20 ग्राम्स ऑफ ऑलमोस्ट बटर ऐड करने वाला हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, इसको काफ़ी अच्छे से मिलाने के बाद अभी हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा स्मूथली फैल होने लगा है, स्मूथली गिरने लगा है। तो अब मैं इसमें मिला लूँगा अपना जो मेरे ड्राइड ग्रेप्स हैं, दैट आई एम गोइंग टू मिक्स इट। Then I am going to mix my dried dates, baking powder, फिर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स चॉप कर रखे हैं, वॉलनट एंड ऑलमंड्स, आप चाहिए तो इसमें और भी कुछ पिस्ता या समथिंग इफ़ यू वॉन्ट टू एड एज पर द टेस्ट आप मिक्स कर सकते हैं। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद इसको मैं अगेन अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। इसमें फ्रेंड्स आप चाहिए तो शुगर डाल सकते हैं, बट आई यूजुअली अवॉइड शुगर, तो आप शुगर फ्री का यूज़ कर सकते हैं टू मेक इट स्वीटर, बट आई यूजुअली अवॉइड ऑल दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर। सिंस ये मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है, सो मैं अब अपना बाउल को जो माइक्रोवेव के अंदर जाने वाला है उसको रेडी कर लेता हूँ। आप या बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें बटर को लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जब केक बनेगा तो वो स्मूथली बाहर आ जाएगा, वो इसके वॉल्स पे या इसके बॉटम पर चिपकेगा नहीं। और हम इसको अपने पोर कर लेता हूँ। मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ। तो सारा इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर मिक्स करके डाल दिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर रखने जा रहा हूँ और एगलेस केक करके ऑप्शन है तो मैं उसको सेट कर देता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये मैंने सेट कर दिया है माइक्रोवेव के अंदर और अब ये 7.5 मिनट्स में मेरा केक रेडी हो जाता है। सो इस तरह से आप अपना केक बना सकते हैं घर में, जो कि बहुत ही हेल्दी है। अब हम लोग वेट करते हैं फ्रेंड्स। ये केक हम लोग जब हमको थोड़ा हंगर फील होता है तब हम लोग इसको ले सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ में इसको ले सकते हैं, या आप इसको अपने ऑफिस में आपको हंगर फील होता है सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दोस समोसाज यू नो वड़ा पाव, गोइंग आउट हैविंग लाइक चाय एंड वड़ा पाव और समथिंग, उसके रिप्लेसमेंट में मैं इस केक का यूज़ कर सकता हूँ, दैट विल मेक मी फुल। सो फ्रेंड्स, ये ओट्स एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि काफ़ी स्लो डाइजेस्ट होता है और आपको काफ़ी देर तक एनर्जी प्रोवाइड करता है और इट विल मेक यू फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम। देखते हैं फ्रेंड्स, ये केक बनने के बाद आई विल शो यू कैसा बन के आया है। सो फ्रेंड्स, अब हमारे 7.5 मिनट पूरे हो चुके हैं और मैं इस केक को निकाल लेता हूँ बाहर। जस्ट सी दिस डिलीशियस ऑसम केक, और ये पूरी तरीके से कुक हो चुका है, दिस सुपर हेल्दी केक ये रेडी है। सो फ्रेंड्स, मैंने अब इस केक को इस प्लेट में
निकाल लिया है और अब ये रेडी टू ईट हो चुका है। सो इंजॉय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।